सब्सक्राइब कीजिए पाठ्यक्रम चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियोस पहले देखने के लिए। गाइस, दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। पार्ट 1 से 5 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप अपने डाउट्स मेरे नंबर पे, इंस्टाग्राम आईडी पे एंड कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम ऑन टाइम। इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइज, ये टॉपिक जो है बेसिकली आपका सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है, बट सिंस ये डाइपोल से रिलेटेड है तो मैं इसे फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाना पसंद करता हूँ हमेशा। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि एनर्जी हमें पता ही है कि वर्क डन से रिलेटेड होती है, तो सिंपल सी बात है, एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करने के लिए या उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। वही वर्क डन जो है डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये डायग्राम ऑलरेडी सेम डायग्राम है जो हमने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, इन टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम डायग्राम, बिल्कुल सेम डायग्राम है। यहाँ पर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने टॉर्क के बारे में बता रखा ऑलरेडी, दैट टॉर्क हमारे पास है। टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा हमने पहली वाली डेरिवेशन से ली है। एंड स्मॉल वर्क डन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अगर डायपोल के अंदर स्मॉल एंगुलर मूवमेंट होता है जिसको हमने डी थीटा से रिप्रेजेंट किया है, तो उसके साथ में टॉर्क को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर स्मॉल वर्क डन मिल जाएगा। टोटल वर्क डन के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के लिए डेफिनेट सी बात है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हमने लिमिट यहाँ पर पुट की है। हमने यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट करते हैं। अब बेटा P और E तो कांस्टेंट है तो वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। हमारे पास बचता है साइन थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस हमारे पास हमने बाहर ले लिया है ब्रैकेट के, और जो कॉस थीटा है हमारे पास वो हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। आप देख पा रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक यहाँ पर लिमिट्स है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स। अगर हम माइनस साइन को पुट ना करें तो ये बनना चाहिए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, बिकॉज सबसे पहले अपर लिमिट आती है और फिर माइनस साइन के बाद हमें लोअर लिमिट पुट करनी होती है। बट यहाँ पर माइनस साइन भी है तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब थीटा 1 और थीटा 2 की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। हर बार आपको क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज गिवन नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। बट यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने थीटा 1 की वैल्यू 90 ली है और थीटा 2 की वैल्यू जो है थीटा ली है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि थीटा 1 की वैल्यू 90 हमने क्यों ली है और थीटा 2 की वैल्यू थीटा हमने क्यों ली है? थीटा 1 90 हमने इसीलिए लिया है क्योंकि 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। अक्सर इस चीज के बारे में बुक्स में नहीं बताया जाता कि हम ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं, बट आपको जानना बहुत जरूरी है कि थीटा 1 90 इसलिए लिया जाता है इनिशियल पोजीशन को क्योंकि इस पोजीशन पे टॉर्क जो है मैक्सिमम होता है, इसीलिए हमने वैल्यू ली है। थीटा 2 की वैल्यू थीटा ली गई है। अब जब वैल्यू पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, PE cos 90 माइनस cos थीटा, 90 हो जाएगा cos 90 हो जाएगा 0, तो आपके पास आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। ये वैल्यू आपके पास सामने आ जाती है और उसके बाद आप जब इसको देखते हैं एक्सप्रेशन को, आप देख पाएंगे एक्सप्रेशन में PE cos थीटा है, तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आ रहा है तो हमें डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। वर्क डन के इस एक्सप्रेशन के बाद, ये जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, इस एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं इस डाइपोल की। उन कॉन्फ़िगरेशंस में हम इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आ रहा है। इक्विलिब्रियम को हिंदी में हम स्थायी पोजीशन भी कह सकते हैं बेसिकली। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में
तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? यहां पर लिखा हुआ है आपके पास पी पैरेलल टू ई, यानी कि डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि थीटा जो है दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हमारे पास आती है माइनस पी ई कॉस 0, इट मींस दैट माइनस पी ई। देखो यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट दी है वो पहले आपको पढ़ के बता दो, तो फिर आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन की अगर हम बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज दैट पोजीशन ऑफ डायपोल इन विच अ डायपोल रीगेन इट्स ओरिजिनल अलाइनमेंट इफ डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम डायपोल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो वापस उससे अलाइन कर लेगा। अब इसका मतलब समझने के लिए आपको डायग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है, सो मैं डायग्राम के तरीके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, ओके? तो अगर आप डायग्राम के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम को, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हम सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग डायपोल, जिसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करूंगा। लेट अस से दैट हम ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। ये मेरे पास एक डायपोल आ रहा है और इस डायपोल की अगर हम बात करें इन दैट केस, तो अगेन डायपोल जैसे कि बोला गया डायपोल जो है पैरेलल है, तो माइनस क्यू इस तरफ और प्लस क्यू हमारे पास इस तरफ आ जाता है। डायपोल की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन आपके पास रहेगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो आपके पास, तो वो हमने रिप्रेजेंट कर दी पी वेक्टर से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमने वो रेड कलर से मार्क की हुई है। नाउ ये तो आपके पास डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आ गई। अब व्हाट हैपेंस, जो हमने कहा आपको स्टेटमेंट में कि डायपोल को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा। मान लेते हैं कि हमने डायपोल को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। अब डायपोल को हमने डिस्टर्ब किया तो ये डायपोल की न्यू पोजीशन है जो हमने थोड़ी सी उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको एंगुलर ओरिएंटेशन दे दी, मतलब उसे किसी एंगल से मोड़ दिया। तो अब क्या होगा, अब जो है इस डायपोल पे होगा क्या आपके पास? अब देखो जो प्लस चार्ज है उस पे तो फोर्स आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये जो फोर्स मैं मार्क कर रहा हूँ ये प्लस चार्ज की फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मेरे पास जो दो फोर्सेज आ गई है, अब अगेन ये वही वाला सेम कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपको याद होगा कौन सा वाला, ये टॉर्क वाला कॉन्फ़िगरेशन है, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब डायपोल के अंदर वापस रोटेशन होगा एक, और डायपोल फिर से अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो इस तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन काम करती है आपके पास, कि अगर हम डायपोल को उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों फोर्सेस एकदम से आ जाती हैं एंड उसकी वजह से ये अपने आप को अलाइन कर लेता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हमारे पास आती है पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने यहाँ पर बताया हुआ आपको दैट डायपोल मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 180 डिग्री का एंगल है। चिंता मत करें, ये भी आपको डायग्रामेटिकली पूरा समझाया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आता है इसके अंदर माइनस पी ई कॉस 180, क्योंकि हमारे पास माइनस पी डॉट ई वेक्टर था, हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया कॉस 181 होता, कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास पी ई आ गया, ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा था, पहले आपने देखा था कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नेगेटिव एनर्जी है माइनस पीई, अनस्टेबल में जो एनर्जी है वो पीई है, ठीक है। इसका मतलब आप क्या जान पा रहे हैं, किसी भी अनस्टेबल स्टेट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि जो एनर्जी आती है वो सबसे ज्यादा होती है हमेशा इन द अनस्टेबल पोजिशन। यहाँ भी एनर्जी सबसे ज्यादा है पॉजिटिव है, ओके? और स्टेबल के अंदर नेगेटिव एनर्जी मतलब सबसे कम एनर्जी है। अब आपको क्या ध्यान देना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए इन लाइंस पे।
When the dipole is disturbed from the equilibrium, it does not regain the original orientation. दोबारा original orientation gain नहीं करेगा. तो क्या करेगा? ठीक है, देखते हैं डायग्राम के जरिए. पर डायग्राम में जाने से पहले मैं आपको एक पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी भी समझा देता हूं, उसके बाद आपको डायग्राम बताएंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का. इन जीरो एनर्जी डायपोल मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपके पास जो आ रहा है दैट इज परपेंडिकुलर, यानी थीटा होता है 90, थीटा 90 हुआ हमारे पास. ठीक है, अब कॉस 90 पुट करेंगे, दिस इज द जीरो एनर्जी स्टेट, यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन में डायपोल की एनर्जी जीरो होगी. दिस इज द जीरो एनर्जी स्टेट. ओके, अब हम समझते हैं एक बार कि भैया जो हमारे पास डायग्राम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का वो कैसा होगा, डायपोल किस तरीके से बिहेव करेगा. लेट अस सी नाउ. तो अब हम डायग्राम देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए. सबसे पहले तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, तो ये हमने रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं. बेटा मैं आपके लिए हमेशा कलर कोड यूज करता हूँ सो दैट आप समझ पाए इजिली कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं. अब हमने यहाँ पर डायपोल को अरेंज कर दिया इन द नेगेटिव डायरेक्शन, डू रिमेम्बर दैट. और यहाँ पर डायपोल मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के. अगर हम इसके अंदर चार्जेस और डायपोल मूवमेंट को मार्क करें तो अब मेरे पास यहाँ आ जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू, और ये जो हमने एरो मार्क किया है ये डायपोल मूवमेंट का मेरे पास है, जो डायपोल मूवमेंट का वेक्टर मैंने मार्क कर दिया. अब देख पा रहे दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है. अब देखिए अगर मैं डायपोल को डिस्टर्ब करता हूं तो क्या होगा. अगर हम डायपोल को डिस्टर्ब करते हैं, मान लीजिए मैंने डायपोल को इधर डिस्टर्ब कर दिया इस तरीके से, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर आपके पास प्लस चार्ज है और इधर आपके पास माइनस चार्ज है. अब प्लस पे क्या होता है? बिल्कुल सही, प्लस पे जो है जो फोर्स आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आती है, तो ये मैंने फोर्स की डायरेक्शन बना दी. ठीक है, और नेगेटिव पे क्या होता है? नेगेटिव पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो ये नेगेटिव पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई. ओके, अब क्या होगा? आप देख पा रहे हैं अब इसके अंदर डायपोल जो है अपने इस कॉन्फ़िगरेशन से पूरा घूम के इस पैरेलल कंडीशन में आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था. यानी कि यहाँ पर कितना रोटेशन हुआ? यहाँ पर रोटेशन हो रहा है 180 डिग्री का. ओके, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जिसको हम मार्क करते हैं U इज इक्वल टू पी इंटू में E, साथ में अगर हम कॉस की बात करें तो आपके पास कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आता है, तो ये मैंने कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 रख दिया. इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी इस ओरिएंटेशन के बेस पे आते हैं. सपोज मान लो आपको बोल दिया कि भैया पहले डायपोल जो है किसी एंगल पे था दैट इज 90 डिग्री, या मान लो डायपोल था एंगल पे 180 डिग्री पे. ओके, अब यही मान लेते हैं कि भाई डायपोल पहले अनस्टेबल पोजीशन पे था फिर स्टेबल पोजीशन पे आ गया, जैसे कि हमने इसके अंदर शो किया है. तो अगर डायपोल पहले अनस्टेबल में था तो उसकी जो एंगल था वो था 180 डिग्री, तो यानी कि कॉस 180 मेरे पास आ जाएगा. तो ये देखिए मैंने कॉस 180 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी. कॉस 180 की वैल्यू आपको पता ना क्या होती है? -1, वो हम भी पुट करते हैं. अब उसके बाद क्या हुआ? जो डायपोल अपने आप को अलाइन कर रहा है 0 डिग्री पे, तो ये मैंने डायपोल को 0 डिग्री पे अलाइन कर दिया, यानी थीटा 2 जो फाइनल पोजीशन है मेरे पास वो आ रही है इसके अंदर कॉस 0, 0 आ गया. अब कॉस 180 क्या होता है? -1, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी पी ई, उसके बाद हमने यहाँ पर कॉस 180 की जगह -1 लिखा, और उसके बाद कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है. तो मेरे पास ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो क्या होगा? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू -2 पीई, दैट विल बी इक्वल टू -2 पीई. तो ये मैंने इसकी वैल्यू यहां पर बता दी. ऐसा क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है जो इसमें कई बार पूछा जाता है. बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं. इसके अंदर डेफिनेशन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? बेटा डेफिनेशन आपको ये कह रही है दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कर्व अलोंग व्हिच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो. यानी कि अगर आप एक
कोई चार्ज दे रहे हैं, लेट से आपके आसपास एक स्केल है, स्केल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या कोई भी चार्ज हो सकता है। अब आपने उस स्केल के आसपास एक फ्री चार्ज रखना है और वो कितना होगा, +1 कूलम का। वो +1 कूलम का चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं रियल लाइफ में, आंसर इज नो, यानी कि ये एक वर्चुअल कंसेप्ट है सिर्फ चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कि किस तरीके से काम करती है। हाँ, अब इसके ऊपर कई स्टूडेंट क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है, वो भी वर्चुअल कंसेप्ट है? बेटा उसका आंसर नो है, वो बिल्कुल रियल लाइंस हैं, उनको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमने ड्रॉ की भी हुई है, उनकी एक्टिविटीज भी पहली पुरानी क्लास में सीखी हुई है ऑलरेडी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वर्चुअल है बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास रियल कंसेप्ट है। बट हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यहाँ हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो, मान लो मेरे पास जो पॉजिटिव वन, जो +1 कूलम चार्ज था, वो एक किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मैंने रैंडम डायरेक्शन मार्क कर, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर जो है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट। ये देखो, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ब्लू कलर से, तो ये जो टेंजेंट है ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब किसी भी अलग अलग पॉइंट पर जब मार्क करेंगे तो आपको टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सिंपल से कंसेप्ट है, डेफिनेशन है जो आपको समझनी है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंट्रोड्यूस करी है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हमारे पास आएगी। तो अब ध्यान देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे। बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टीज आती हैं। हम पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं और आपको हर प्रॉपर्टी का मतलब डिटेल में समझाया जाएगा क्योंकि वो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट ब्रेक्स, यानी कि बिल्कुल कंटिन्यूअस कर्व्स हैं विदाउट ब्रेक, बीच में कोई ब्रेक नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, रीजन क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये पॉजिटिव से हमेशा स्टार्ट होते हैं और हमेशा नेगेटिव पे एंड होते हैं, ओके। जब ये एंड हो रहे हैं, आप देखो ये वापस नहीं आ रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने क्या स्टडी किया था कि नॉर्थ से साउथ जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ वापस आ जाती हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव में जाती हैं। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हर बार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो, ठीक है। मान लो मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं आपके पास पॉजिटिव से स्टार्ट तो होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट तो होगी लेकिन जाएगी कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम इन्फिनिटी को एंड मान लेते हैं। अगर ऐसा नेगेटिव चार्ज में होता तो हम क्या करते, अगर ऐसा नेगेटिव चार्ज में होता तो हमने जो है मान लिया इसके अंदर, लेट से यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम होता लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन इनवर्ड होती क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती हैं। अब ये कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक ही चार्ज होता है तो उस केस में हम दूसरे एंड को इन्फिनिटी मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पर ब्रेक तो नहीं हो रही ना, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। तो फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आपस में एक दूसरे रिलेटेड है और आपको मैंने दोनों समझा दी है। नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी टू लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। डेफिनेटली बात है, अगर क्लोजनेस की हम बात करें इसके अंदर की जो क्लोजनेस है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट से मान लो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही हैं जिसमें हमने कर्व्स बना दिए। ये देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ले रहा रैंडम। बेटा इसे आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पहले स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ जो एरिया है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है,
और इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं चार्ज सरफेस के, इसको भी अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपैंड लेटरली। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को सिर्फ रीड कीजिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इन सब के बारे में आपको समझाएंगे डिटेल में, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले क्या आ रहा है, Why two electric field lines of a given charge cannot cross each other? दोबारा से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। Force of a given charge, यहाँ given charge पे ध्यान दो, ये given charge वाले पॉइंट पे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में भी, ठीक है? पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, लेट से ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट कर गई, तो होगा क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर आपके पास एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन में आ गई। अब ये क्या है, एक ही चार्ज की है। अब भैया, एक ही चार्ज की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स की पॉसिबल डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना, सिंपल सी बात है। बट अगर ये दो लाइन्स, ये दो जो ब्लू लाइन्स हैं, दो अलग अलग चार्जेस की वजह से होती तो क्या होता? मान लो दो अलग अलग चार्जेस की वजह से है ये, तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों की रिजल्टेंट होगी। लेकिन अगर ये सेम चार्ज की वजह से है तो पॉसिबल नहीं है, बट दो अलग अलग चार्जेस की वजह से पॉसिबल है कि वो इंटरसेक्ट करे और उस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट से मिलेगी। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है वो हमने पहले भी सीखा हुआ है और हम आगे भी इसे क्वेश्चन जरूर करेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है, व्हाई लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द कंडक्टर। भैया, लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्मल क्यों होती हैं? देखिए बेटा, हम लोग जो डील कर रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें चार्जेस जो है हमारे पास रेस्ट पर है। तो मैंने एक सरफेस बना लिया जिसमें मान लिया कि हमने पॉजिटिव चार्ज और रेस्ट पर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर नहीं है। ये लो, मैंने एक पिंक कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी जो के किसी एंगल पे है। अब क्या होगा, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे आती है तो क्या होता है, उसके हम कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, कंपोनेंट्स के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज किया है। अब जो हमारे पास ये जो कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये पिंक वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मैं इस एंगल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा मान लेता हूं, तो मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, e cos theta मेरे पास हो जाएगा। अब बेटा, e cos theta आ रहा है, ये एक कंपोनेंट है जो टेंजेंशियल काम कर रहा है। टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा यहाँ पर, टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से होगा जो भैया जो चार्जेस है वो मूव करेंगे अलोंग द टेंजेंट। बट हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, तो उसपे तो चार्जेस बिल्कुल रेस्ट पे होते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। इसका मतलब जो e cos थीटा है वो तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो इसका मतलब e cos थीटा मेरे पास क्या हो गया, e cos थीटा जो मेरे पास है वो जीरो हो जाएगा। ओके, अगर ये जीरो हो गया, देखो सिंपल सी बात है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी नहीं ना, तो क्या बचा मेरे पास, cos थीटा। अगर cos थीटा जीरो है तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 90। इसका मतलब हमारे पास क्या आया कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही रहेगी, क्योंकि हम एक तो चार्जेस एड्रेस की बात कर रहे हैं, दूसरा अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया ना, तो वो फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो है पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की। देखिए, तो हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर ले लिया है एक। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है, तो देखो बेटा सिंपल, जैसे लाइट, अगर एक बल्ब है और लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, वैसे ही जो चार्जेस हैं उनकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो चारों डायरेक्शन में रहती हैं। तो यहाँ पर भी चारों डायरेक्शन में होगी। हमने क्या स्टडी किया था कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक तो परपेंडिकुलर निकलेगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, तो उसकी वजह से पैटर्न हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है और वो पैटर्न हमें मिल रहा है। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो आपका डायरेक्शन है वो है रेडियली आउटवर्ड, यानी के अलोंग द रेडियस और आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग द रेडियस और आउटवर्ड डायरेक्शन हमारे पास आ रही है। इसके अंदर शेप जो है वो आ रही है आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री। अब स्फेरिकल सिमेट्री कैसे है, तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ स्फेरिकल सिमेट्री कैसे है।
देखिए ये जो चार्ज है, ये देखो मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास क्या बन गया, इसका अब जो स्फेरिकल सिमेट्री बन गई। अब ये तो सर्कल है, ठीक है ना। अब इसकी स्फेरिकल सिमेट्री हम बनाए तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये इसकी स्फेरिकल सिमेट्री बन जाती है। यानी कि चार्ज अगर सेंटर पे है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैली होती है जैसे कि हमारे पास इसके अंदर एक स्फीयर हो। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, अब इसके अंदर सिमिलर हमारे पास आता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज अगर हम देखें ध्यान से तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर भी सेम है आपके पास, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर की तरफ है, इनवर्ट हमारे पास है। पहले क्या थी, रेडियली आउटवर्ड थी, अब यहाँ रेडियली इनवर्ट है। सिमेट्री यहाँ भी सेम तरीके से स्फेरिकल रहेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी स्फेरिकल सिमेट्री आप बना सकते हैं। ओके, तो ये इसका स्फेरिकल सिमेट्री हो गया। अब देखिए आपके पास जो बात आती है, दैट इज पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस यानी कि डायपोल। तो ये टॉपिक आपको डायपोल के फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपसे बोल सकता है कि भाई डायपोल के लिए ड्रॉ करो, ठीक है। तो आप देखिए इसकी सिमेट्री देख लेते हैं एक बार। बेटा देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन शोज द अट्रैक्शन। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ये तो सिंपल सी बात है, हमें पता है बचपन से, जब से 6th-7th क्लास हमने पढ़ी है, हमें पता है दैट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो लेट सी क्या होता है इसके अंदर, ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। तो देखिए बेटा एक्चुअली में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक्चुअली देखो ऐसे जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाना था बिल्कुल। मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली जाना किस तरीके से चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पॉजिटिव के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, नेगेटिव की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एक्चुअली इसको इन्फिनिटी तक जाना था, लेकिन क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये क्या हुआ, दिस इज लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अलोंग द लेंथ हो रहा है, इसीलिए इसको हम लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ओके, क्योंकि आपके पास कंप्रेशन हो रहा है, लाइन्स एक दूसरे के पास आ रही है। सेम हमारे पास यहाँ पर होता है जो आपके पास आता है नेगेटिव चार्ज के लिए भी, नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसी होना चाहिए, लाइंस को इंफिनिटी से आना चाहिए, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करके। अब बात आती है यहाँ पर सिलिंड्रिकल सिमेट्री की, तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री कैसे है, देखो हमने दोनों पॉइंट चार्जेस के बारे में स्टडी किया होगा कि दोनों की जो है आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री रहती है। तो ये मैंने स्फेरिकल सिमेट्री बना दी, ये एक स्फेयर आ गया मेरे पास और ये मेरे पास दूसरा स्फेयर आ गया, ठीक है। अगर मेरे पास दो स्फेयर आ गए, ठीक है ना, अब दो स्फेयर को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो बेटा क्या बन जाता है, यहाँ पर एक सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया। तो ये है सिलिंड्रिकल सिमेट्री, यानी कि ये है आपका पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे, ये दूसरे के सेंटर पे, और दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री कहते हैं उसको। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉस्को बॉल का, कॉस्को बॉल या टेनिस बॉल का। आप अगर मार्केट में जाते हैं कॉस्को या टेनिस बॉल लेते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या देखते हैं आप उसके अंदर, एक सिलेंडर जो गत्ता होता है वुडन आपका या पेपर बॉक्स में होती है, वो भी कैसा सिलिंड्रिकल होता है। तो क्यों, बहुत सारे स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स के बाद जो सिमेट्री बनती है स्फेयर्स को अरेंज करने से, वो बनती है आपकी इसके अंदर हमेशा ही सिलिंड्रिकल सिमेट्री। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। इक्वल एंड लाइक चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं इसके अंदर, इनमें भी वही सेम चीज आपके पास आ रही है गाइस, पॉजिटिव चार्ज है। पर यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूंगा लेटरल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, विच शोज रिपल्शन, इसका मतलब क्या है। अगेन एक बार समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं कि भैया कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक्चुअली जाना चाहिए था। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक्चुअली इस तरीके से जाना चाहिए था, मैं आपको पॉजिटिव पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, नेगेटिव भी सिमिलर होती है आपके पास, इस तरीके से जाना चाहिए था आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए था। बट हुआ क्या, क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनमें रिपल्शन हुआ और उसकी वजह से वो एक्सपैंड कर गई, किस तरफ, साइडवेज में, साइड की तरफ एक्सपैंड कर गई, ठीक है, इस साइड की तरफ एक्सपैंड करगी, इस साइड एक्सपैंड करगी और इस साइड एक्सपैंड करगी। सेम नेगेटिव चार्ज में भी, सेम यहाँ दूसरे चार्ज में भी हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज में भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो दिस इज द लेटरल एक्सपेंशन विच शोज रिपल्शन। तो आई थिंक अब आप लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन और लेटरल एक्सपेंशन का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसके अंदर, ठीक है। अगेन सिमेट्री इसके अंदर भी सेम सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। डायग्राम मैं दोबारा नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि सेम आपके पास डायग्राम आ रहा है पहले वाला, जैसे हमने पहले सिलेंडर बनाया था, सेम ही डायग्राम आपके पास इसके अंदर आ रहा है। क्या हमारे पास इसके अलावा भी चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास दो और कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। अगर हम दो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इसके अंदर, तो वो क्या हो सकती है, हमारे पास
ये देखिए, एक तो आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, यानी कि एक मेटल शीट है, मान लो एल्यूमिनियम शीट है और वो पूरी चार्ज्ड है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसके अंदर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है और वो आउटवर्ड है दोनों डायरेक्शन में। ये देखिए राइट की तरफ और यहाँ से लेफ्ट की तरफ, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। ओके, ये यहाँ पर आ गया, आप देखो डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड, और इसकी सिमेट्री क्या है, प्लेन सिमेट्री। अब इस प्लेन सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम प्लेन सिमेट्री का मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिमेट्री किस तरीके की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिमेट्री जो है आपकी प्लेन है। देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाना चाहूंगा, यानी कि ये प्लेन्स हमारे पास आ जाएंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये इसकी सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है, ये इसकी सिमेट्री है, यानी कि प्लेन्स हैं बहुत सारे जो एक दूसरे के पैरेलल है, दिस इज कॉल्ड प्लेन सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड प्लेन सिमेट्री। क्लियर इतना। अब देखिए हमारे पास अजीबो गरीब कॉन्फ़िगरेशन भी कभी कभी आ जाती है, जैसे हमारे पास यहाँ आई है सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल के अंदर, यू कैन इजिली सी हियर, एक आपको एक चार्ज दे दिया, ठीक है ना, दूसरा आपको ये कंडक्टर दे दिया, तो हमने क्या करना है, हमने क्या मेक श्योर करना था कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हमने सबसे पहले यहाँ ड्रॉ कर दी। ये देखिए नीचे तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी एक नेगेटिव शीट के लिए जो कि इनवर्ड है। यहाँ भी हमने आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट और एंटर जो है वो परपेंडिकुलरली करती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया, यहाँ पर भी हमने परपेंडिकुलर, देखो एक लाइन मैंने ले आया हूँ, इधर भी परपेंडिकुलर लाइन ले आया हूँ एक, ठीक है, और इधर भी मैंने परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर ली है, और इस तरफ भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जब लाइन यहां से भी परपेंडिकुलर निकल रही है इस वाले पॉइंट से भी और इधर भी परपेंडिकुलर एंटर कर रही है, तो बीच में लाजमी सी बात है बेंडिंग तो होगी होगी, तो बेंडिंग यहां पर हमारे पास हो रही है, हमें दिखा दी बेंडिंग इसके अंदर, ये देखिए बेंडिंग हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां पर लाइन्स को एंटर करना और एग्जिट करना है वहां पर लाइन सबसे पहले आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स, और उसके बाद उनको कर्व की फॉर्म में ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास था इसके अंदर इस टाइप का। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा फॉर द लीनियर चार्ज, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर जो कि चार्ज है, उसके लिए हम एक बार देखते हैं कैसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखिए मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है जिसके अंदर मैंने बिल्कुल पैरेलल लाइन ले ली है इसके अंदर एक, ये मान लो कंडक्टर है, अब हम इसको कंडक्टर की लुक दे देते हैं। ये देखिए एक हमारे पास आ गया इसके अंदर सिलेंड्रिकल वायर, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, कॉपर वायर हो सकती है, एल्यूमिनियम वायर कोई भी हो सकती है, मान लीजिए इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है ड्रॉ कर दिया, ये देखिए हमने पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ रहा है इसके अंदर, अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, आउटवर्ड होती है कि नहीं होती है, तो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में, और वो कैसे बनाएंगे देखते हैं इसको। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में लेनी स्टार्ट करी, सबसे पहले तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह जो है बेटा आपके पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पैटर्न को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लाइन्स में गड़बड़ होती है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, डू रिमेम्बर दैट। सिमिलरली आप किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे आपको सेम ही पैटर्न मिलेगा हर जगह पर, यू विल गेट द सेम पैटर्न। अगर आपको सेम पैटर्न मिलेगा और आप उस पैटर्न को दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सिमेट्री मिल जाएगी, और आप आई थिंक सो इस शेप को देखते हुए सिमेट्री बहुत अच्छी तरीके से पहचान पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सिमेट्री किस तरीके की मिलती है हमें। तो मैंने यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक सिमेट्री ड्रॉ करी इधर, और ये मैंने एक इधर एक और सिमेट्री ड्रॉ करी, और सिमिलरली नीचे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं नीचे भी तो सिमेट्री आती है ना, तो नीचे भी मेरे पास इसके अंदर सिमेट्री आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है इसको ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ अगर, तो मुझे क्या मिल गया,
क्या मिल गई मुझे इसके अंदर, सिलिंड्रिकल सिमेट्री, यानी कि अगर एक चार्ज्ड वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर, तो उसके अंदर भी मुझे सिलिंड्रिकल सिमेट्री ही मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो जाता है इस चार्ज वायर के लिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। बाय बाय।